हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं किंग इन किचन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं वो है चिली पनीर। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप किस तरह घर में ही रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट पा सकते हैं। पनीर की रेसिपी तो मैंने आपको पहले ही दिखा चुका हूं, आप चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, आप उसे भी जाके वहां देख सकते हैं। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं आज की रेसिपी के साथ कुछ यूज़फुल टिप्स भी शेयर करूंगा, तो इसलिए आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं चिली पनीर बनाने की रेसिपी। सबसे पहले हम बनाएंगे बैटर। बैटर हमें चाहिए पनीर को कोट करने के लिए। बैटर के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में लेंगे 4 टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर और राइस फ्लावर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। ये सब डाल के हमें इसे अच्छी तरह स्टिर करना है। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह हिलाएंगे। हमें इंश्योर करना है कि इस बैटर में कुछ लम्स ना रह जाए। और इनकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम पहले एक पनीर का टुकड़ा डाल के फ्राई करके चेक करेंगे कि इसमें कोटिंग ठीक से लग रहा है कि नहीं। अगर कोटिंग ठीक है तो हम इसी तरह बाकी सारे पनीर के क्यूब हम फ्राई करके निकाल लेंगे। पनीर के क्यूब्स हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका रंग गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब ये फ्राई हो जाए तब हम इसमें एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में हम टिश्यू पेपर रख लेंगे जिससे कि ये एक्स्ट्रा ऑयल पूरा खींच ले। चलिए अब हम इसकी सॉस बनाते हैं। तो सॉस बनाने के लिए पहले एक बड़ा कढ़ाई में हम 1.5 टेबल स्पून ऑयल गर्म कर लेंगे। हम डालेंगे फाइनली चॉप गार्लिक, जिंजर एंड ग्रीन चिलीज। यहाँ मैं 3 ग्रीन चिलीज यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने बीच से काट लिया है। फिर मैं डालूँगा 1 स्मॉल ओनियन फाइनली चॉप्ड। फिर मैं 2 मिनट सॉटे करूँगा। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए तब हम ऐड करेंगे अनियन के लेयर्स को मैंने बड़ा सा काट लिया है। इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। फिर मैं ऐड करूँगा 1 लार्ज कैप्सिकम डाइस्ड। इसे भी हमें जस्ट 1 मिनट हमें इसे सॉटे कर लेना है। हमें इसे पकाना बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमें ये क्रंची चाहिए। फिर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस या टोमेटो केचप, 3 मिनट डालूँगा सॉल्ट। आप सॉल्ट कम डालिएगा दोस्तों, क्योंकि हमने पहले सोया सॉस में सॉस होता है तो सॉल्ट होता है सॉरी, इसलिए आप ध्यान से नमक डालिएगा। फिर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। इससे ये अच्छा रेड कलर देगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पनीर के क्यूब जो हमने पहले ही फ्राई करके रख लिए थे। हमें अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये सॉस पनीर में अच्छी तरह कोट हो जाए। लीजिए दोस्तों, हमारा पनीर चिली रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल डिश है, आप आसानी से बना सकते हैं। आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।